हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ, और तारीख के साथ प्रूफ के साथ ही एक्सप्लेन करूँगा मैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। वीडियो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो ब्लॉग नहीं है, ना मैं कहीं जा रहा हूँ, ना कुछ खा रहा हूँ, ना कुछ दिखा रहा हूँ। वैसे आज का जो टॉपिक है ना, बहुत मतलब क्या ही बोलो, बेकार किस्म के लोग हैं जो ऐसे करते हैं। टाइटल और थंबनेल देख के तो पता लग गया, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े तो फटाफट जुड़ जाओ। इंस्टा फेसबुक में फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लो। बाकी मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ, और तारीख के साथ प्रूफ के साथ ही एक्सप्लेन करूँगा मैं। 1 जुलाई 2022 में मेरे पास एक वेडिंग का काम आया जो मेरे होम टाउन का था, और उनका टोटल पैकेज था 13,000, मतलब 13,000 के करीब। तो एडवांस उन्होंने 2,000 दे दिया, बाकी 11,000 बच रहा था। तो मैंने बोल दिया था कि वेडिंग के दिन ऐसे ऐसे चाहिए, बाकी जो भी रहता है वो एल्बम वगैरह देने के बाद ही करते हैं, जो सबका पैकेज होता है। जैसे सबसे हम पेमेंट लेते हैं वैसे ही मैंने किया, लेकिन उनका एक रिक्वायरमेंट था कि रिसेप्शन के डे उनको एक टीवी चाहिए थी, टीवी मतलब एलईडी स्क्रीन जो लाइव चलता है। तो एक की बात हुई थी, लेकिन मैं जहाँ से पता किया, जो लोग लगाते हैं ये काम करते हैं, जो मेरे फ्रेंड थे वो बोला कि भाई एक एलईडी नहीं लगता, दो लगाते हैं। तो उसके लिए उसने डबल चार्ज किया मेरे से। तो मैंने भी क्लाइंट से चार्ज किया कि सर आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आप करवा दो, मैं 2,000 एक्स्ट्रा दे दूंगा, जब इतना खर्चा कर रहा हूँ तो 2,000 भी मैं कर दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, सब कुछ हो गया, काम हो गया। काम के बाद उनको मैंने बोला, उनकी 11,000 की पेमेंट थी, फिर उनको 2,000 और ऐड हो गए, तो 13,000 रुपये टोटल लेने थे मुझे। एडवांस 2,000 ले चुका था, तो मैंने 10,000 मांगा रिसेप्शन के दिन। तो उन्होंने 10,000 मुझे दे दिया, तो बाकी इनका 3,000 बचा। तो 3,000 बचा उनका, बाकी मैंने वीडियोस वगैरह दे दिया। वीडियो के लिए 2 बार गया, एक बार उनका बेटा मतलब ग्रूम, एक बार सॉन्ग सिलेक्शन देता है, उसके बाद एक बार उनका उनकी लड़की और लाइक आंटी जो थी वो एक सॉन्ग सिलेक्शन देते। तो 2 बार फिर मैंने चेंज कर दिया सॉन्ग, तो 3,000 बच रहे थे। वीडियो दिया, उसके बाद मैंने बोला एल्बम सिलेक्शन तो आपने दे दी, तो आपको 3,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि अभी पैसे नहीं है, 1,000 रुपये आप ले लो, 2,000 रुपये हम आपको बाद में दे देंगे जब आप एल्बम देने आओगे। तो सारा खेल यहीं से शुरू होता है, और मुझे ये थोड़ा जो छल कर रहे थे ना वो समझ नहीं आता। मैं तो हुआ ही हूँ, मैं उनको 2 बार फ़ोन किया कि सर एल्बम आपकी प्रिंट होने वाली है, लैब में भेजते हैं, क्योंकि एल्बम मैं तो घर पर बनाता नहीं हूँ, आप पैसे दे दो। तो अंकल थोड़ा सा बहस करने लगे कि हमने तो सारा पैसे दे दिया, 2,000 रुपये रह रहे, तो अब लेके आओ और उसके बाद हम पैसे दे देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला दुर्गा पूजा से पहले चाहिए, और सबको पता है दुर्गा पूजा 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर के अंदर था। तो मैंने भी प्रॉमिस कर दिया कि हाँ हाँ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी मैंने एल्बम लैब से प्रिंट होकर आ गई, उसके बाद मैंने उनके लड़के को फ़ोन किया। एक्चुअली ना मेरा फ़ोन एक बार रिसेट हो चुका था, क्योंकि आप लोग जो पहले से ब्लॉग देखते हो उनको पता है मेरा फ़ोन खराब हुआ था। तो इसी चक्कर में फ़ोन मेरा रिसेट हो रखा है, नहीं तो मैं डिटेल्स दिखाता, सारा चैट, पुराने चैट सब दिखाता। लेकिन अभी कुछ चैट अवेलेबल है जो एल्बम देने के बाद जो भी चैट हुई है, उनसे बात हुई है मेरी कि भैया पापा पैसे देंगे आपको 2,000 रुपये। तो मैंने भी मान लिया, मैंने सोचा ठीक है भाई, इतना बंदा बोल रहा है तो 2,000 दे ही देगा, और अपने गाँव में ही है, कहाँ जाएगा। फिर बात, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बात 2,000 की नहीं है, बात मेरी मेहनत की है। मैं 1 रुपया क्यों छोड़ूँ मेहनत का पैसा, मैंने मेहनत की, अपना टाइम दिया वहाँ पर, अपना स्किल दिखाया, पूरी मेमोरी क्रिएट करके दी। कहीं तुम डीजे वाले के तो पैसे नहीं काटे, टेंट वाले का पैसा नहीं काटा, खाने वाले का पैसा नहीं काटा, मेरे काट रहे हो पैसे और झगड़ा कर रहे हो उल्टा। मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हुआ यूँ, एल्बम उन्होंने बोला कि 1 तारीख को हमारी टिकट है, 1 अक्टूबर को हम उड़ीसा जाएंगे। उनका लड़का उड़ीसा में कहीं रहता है, काम वाम करते हैं, अच्छे पोस्टिंग में, पैसे बहुत कमाते हैं, लेकिन 2,000 रुपये के लिए उनको मौत आ रही थी। तो थोड़ा सा मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ, तो हुआ यूँ, तो मैं रात को 11 बजे गया। उन्होंने कहा कि रात को ही चाहिए, हमारी सुबह ट्रेन है। मैं 11 बजे गया एल्बम देने, तो मैंने बोला अंकल पैसे, तो उन्होंने बोला कि पैसे लड़के आपको, उसका सैलरी नहीं बना, सैलरी बनेगा तो तभी देंगे, इससे बढ़िया मुझसे मांगते 2,000 रुपये, मैं ऐसे ही दे देता। बाकी मैं ये चैट के कुछ स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, ये देखो साइड में दिख रहा होगा आपको,
लड़के क्या क्या बहाना दे रहे हैं मुझे, कह रहा है मेरा लैपटॉप खराब हो गया, 8 तारीख को मैं दूंगा। उसके बाद मैंने एक बार फ़ोन किया, उनके पापा ने बोला कि रॉन्ग नंबर है, मतलब ऐसे सीन कर रहे हैं 2000 रुपये के लिए। यार सिंपल मुंह पे ही बोल देते ना कि 2000 रुपये नहीं देंगे आपको, इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। बाकी मैं ब्लॉग इसलिए मतलब वीडियो इसलिए मैंने बनाया क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मेरे फोटोग्राफर्स और मेरे फोटोग्राफर सिस्टर ब्रदर्स के साथ भी हो रखा होगा। तो प्लीज़ ऐसे क्लाइंट से बच के रहें और पहले सारा पैसे क्लियर करें, उसके बाद सारा काम दें। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे क्लाइंट ख़राब है, सारे क्लाइंट नहीं है, कुछ कुछ क्लाइंट होते हैं काम मिलने के बाद वो बोल देंगे ये अच्छा नहीं हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, तो क्लू सुनो इनका। फिर मैंने 3-4 दिन बाद फ़ोन किया कि अंकल अब घर आ गए, उन्होंने कहा हाँ हम लोग घर आ चुके हैं। तो मैं एक दिन रात को गया 10 बजे के करीब, मैंने कुछ रिकॉर्ड वगैरह किया था लेकिन मैंने सोचा वीडियो ना बनाओ, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया ना, मेरे को गुस्सा आ रहा है क्यों मेरा मेहनत का पैसा वो क्यों खाएंगे, मैंने मेहनत किया है। तो क्लू ये दे रहे हैं मुझे कि हमारे ढोल वाले का फ़ोटो नहीं है और हमारे जो सब्जी काट रहे थे तो वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया मैंने, और वो टट्टी करने गया था कोई, उनका नहीं वीडियो बनाया ना, उनको वो टट्टी वाली वीडियो देखना है क्योंकि शादी में दुल्हा दुल्हन ये सब वीडियो तो उनको पसंद नहीं है, वो कोई टट्टी कर रहा है, कोई उल्टी कर रहा है, ढोल वाले की फ़ोटो ये सब चाहिए उनको। जो आप लोग देख रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कि आज कैसे बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि मेहनत का पैसा है मेरा, 2000 बहुत बड़ी बात है मेहनत के पैसे। वैसे 2000 रुपये देखा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह कुछ कुछ क्लाइंट को समय नहीं आता यार, 1-1.5 लाख का सेटअप ही होता है अपना कैमरा, हम पैक कर लेते हैं उसके बाद आप रास्ते में नाचोगे, कहीं कुछ करोगे, बोलोगे सेटअप ऑन करो फिर वीडियो बनाओ, ये पॉसिबल नहीं होता, ये आपको भी समझना चाहिए। आपका जो रिचुअल्स है वो सारा हम लोग कवर करते हैं, मैंने भी वैसे ही किया जैसे उनका रिचुअल्स A to Z था, लेकिन उन्होंने क्लू ये दिया कि हमारे ढोल वाले का फ़ोटो नहीं है क्योंकि ढोल वाला उसका रिश्तेदार लग रहा होगा ना इसलिए, और खाने की जो सब्जी काटते हैं ना, जो सब्जी वगैरह काटते हैं जब बनाते हैं फ़िश वगैरह, बंगाली वेडिंग में फ़िश वगैरह बनता है, वहाँ का वीडियो नहीं है, पता नहीं वो वीडियो लेके कहाँ देखते, वो शादी के अंदर कहाँ ऐड करते। जो भी हो, मेहनत का पैसे उन्होंने फ्रॉड किया, कोई बात नहीं, 2000 रुपये मेरे से ज़्यादा उनको ज़रूरत है तो वो ले जाए 2000 रुपये और वो खुश रहे, अमीर बन जाएंगे शायद 2000 रुपये में, लेकिन मेरा मेहनत का पैसा 2000 रुपये से उनका कब 20,000 रुपये निकल जाएगा उनको पता नहीं लगेगा। बाकी गाइस जो भी फोटोग्राफर्स भाई बहन मेरे वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, पेमेंट हमेशा अपने टाइम से निकाल लेना पेमेंट, क्योंकि कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं पेमेंट काम के टाइम सब चाहिए काम उनको, पेमेंट के टाइम बहुत इशू करते हैं, लेकिन मैं सारे क्लाइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई कोई क्लाइंट तो ऐसे होता ना पेमेंट दे ही देते हैं कि आप काम दो ना दो। मेरे ऐसे कुछ क्लाइंट है इतने बढ़िया है ना, एक नंबर है, मतलब नाम तो नहीं बता सकता, पहले पैसे दे दिए, काम आप आराम से दो कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत का पैसा आप ले लो पहले, ऐसे क्लाइंट होते हैं ना तो काम करने में भी मज़ा आता है। आपको अभी ऑफर तो याद है ना, वेडिंग पैकेज में चल रहा है 30% से लेकर 50% ऑफ, तो 31 अक्टूबर से पहले अपनी बुकिंग करवा लो फटाफट, बाकी काम देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड हाँ, जिनकी मैं वेडिंग में गया था उनकी वेडिंग का मैं वीडियोस भी डाल रखा हूँ, एक व्लॉग भी बनाया था वो भी डाल देता हूँ, तो आप लोगों को पता लगे, आप लोग सोच रहे हो कि झूठ बोल रहा है, मैंने स्क्रीनशॉट डाला, कॉल रिकॉर्डिंग भी रखा था, मैंने सोचा था वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी चक्कर में मैंने कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिया, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं ऐड करना चाहिए था, वो थोड़ा मिस हो गया। बाकी उम्मीद करता हूँ गाइस ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के रहना, सिर्फ फोटोग्राफी लाइन में नहीं, हर लाइन में ऐसे फ्रॉड होता है, तो ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के रहना, स्टे सेफ, टेक केयर गाइस। बाकी मिलता हूँ मैं न्यू ब्लॉग में, आज के ब्लॉग तो था ही नहीं, वीडियो था, मुझे बस इतना पता था कि मेरे साथ ही क्यों स्कैम क्यों, 2000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, अब ये क्लू क्यों दे रहे हो कि हमें ये नहीं है, ढोल वाले का फोटो नहीं है, कोई टट्टी करने जा रहे वीडियो नहीं है, ये शादियों में नहीं होता। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन प्रेस करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाना। सो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।